हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 10 प्रोडक्ट जो कि हैं अंडर 500 रुपीज, जिन्हें आप अमेजोन से इजीली बाय कर सकते हैं। वैसे इनका जो ओरिजिनल प्राइस है वो पहले से ही अंडर 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप इन्हें सेल के दौरान बाय करते हैं तो इससे कम प्राइस में आपको इजिली मिल जाएंगे जो कि इनका ओरिजिनल प्राइस है। और अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो ये है पार्ट टू। पार्ट वन में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां से चेक जरूर करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्ट टू के लिए मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं या कैसे हैं ये प्रोडक्ट, किस ब्रांड से हैं ये प्रोडक्ट, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। एक्चुअली मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी क्योंकि चाहे मेकअप हो, स्किन केयर हो या हेयर केयर हो, ये काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। जो मुझे पसंद है हो सकता है आपको ना पसंद आए, या जो आपको पसंद है हो सकता है मुझे ना पसंद आए, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को लाइक करना डिसलाइक करना ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करती है एंड सेम टाइम पे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है। तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एंड पॉइंट नंबर टू, इन सभी की परचेजिंग लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है ब्लू हेवन से, और ये है ब्लू हेवन का डीप एंड ट्विस्ट नेल पॉलिश रिमूवर, जिसका प्राइस है 75 रुपीज। एंड इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो आई थिंक 30 ml की है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 40 ml की। और ये नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो एसीटोन फ्री है एंड इसमें आपको मिल जाता है विटामिन ई एंड आलमंड ऑयल, जो कि आपके नेल्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। वैसे अगर मैं इस नेल पॉलिश रिमूवर की बात करूं तो इससे आपको कॉटन पैड से नहीं यूज करना होता है, बस डायरेक्टली आप अपने फिंगर को डिप करना होता है एंड बस ट्विस्ट कीजिए, आपके जो नेल्स पे नेल पॉलिश है वो गायब हो जाएगी। एक्चुअली अगर मैं इस पैकेजिंग की बात करूं या इस आइडिया कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जो कि सेम पैकेजिंग या सेम आइडिया के साथ हैं, बट बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिनके प्राइस जो हैं वो थोड़े से हाई हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इसका जो प्राइस है वो एक्चुअली काफ़ी कम है। वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 75 रुपीज़ है, बट अगर आप इसे सेल के दौरान बाय करते हैं तो अंडर 50 रुपीज़ में है ये आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा नेल पॉलिश रिमूवर है, फटाफट से आपके नेल पॉलिश को रिमूव कर देता है बिना उससे ड्राई बनाए, आपके नेल्स को ड्राई बनाए एंड सेम टाइम पे कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। इस वजह से मुझे ये नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो बहुत ही पसंद है एंड मैंने कई बार इस नेल पॉलिश रिमूवर को आप लोगों को रिकमेंड भी किया है कि बहुत ही अफोर्डेबल है ऑन द गो के लिए या फिर जब भी आप जल्दबाजी में हो, बहुत ही अच्छा है, ट्राई आउट जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ। तो सेकेंड प्रोडक्ट है डब से एंड ये है डब का कूलिंग जेल क्रीम। इसका जो प्राइस है वो है 215 रुपीज़, जिसमें आपको 145 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 36 मंथ। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज से बना हुआ है, 100% पैराबेन फ्री है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल ऐड नहीं किया गया है। वैसे अगर इस मॉइस्चराइजर की मैं बात करूं तो आप इसे किसी भी सीजन में एक्चुअली यूज कर सकते हैं, इवन विंटर टाइम में भी आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो मे बी आपको ये ना पसंद आए, बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है नॉर्मल है, ऑयली है, एक्सट्रीमली ऑयली है, तो आपको ये प्रोडक्ट पसंद जरूर आएगा। लाइट वेट है, जेल फॉर्मूला में आता है, जो कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से नरिशमेंट ऐड करता है, एट द सेम टाइम बिना उससे ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा बनाए। फिलहाल अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, बाय चांस ऑयली या एक्सट्रीमली ऑयली है, तो आपको ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है ऑल सीजन के लिए,
तो अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो डेफिनेटली ट्राई आउट जरूर करिएगा, आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक से, और ये है शुगर का लिप बाम जिसका प्राइस है 199 रुपीज। इसमें कई सारे अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फ्लेवर एक्चुअली बाई कर सकते हैं। मैंने इसमें आई थिंक दो फ्लेवर ट्राई आउट किए हैं, एक स्ट्रॉबेरी एंड सेकेंड है आई थिंक मिंट। ये जो शेड है वो है 02 एंड 01 भी मेरे पास है। इसमें जो प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिलती है वो है 4.5 ग्राम की, और लिप बाम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है या क्वांटिटी जो है वो मैं कंज्यूम कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा लिप बाम है, आपके लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करता है, एंड जिसकी स्टेइंग पावर भी बहुत ही अच्छी है। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई एंड चैप्ड रहते हैं तब भी आप इस लिप बाम को इजीली यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आप इसे लिपस्टिक के नीचे अप्लाई करते हैं, जैसे बहुत सारी लिपस्टिक जो हैं वो लिक्विड लिपस्टिक हैं एंड सेम टाइम पे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मैट हैं, तो वो आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट बना देती हैं। तब अगर आप इसे यूज़ करते हैं लिपस्टिक से पहले, तो ट्रस्ट मी ये आपके लिपस्टिक का जो एक्चुअल नेचर है उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लिप बाम ऐसे हैं जो कि लिपस्टिक को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, मतलब वो ट्रांसफर भी होने लगती है, ब्लीड भी होने लगती है। तो इस लिप बाम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके लिप्स की स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड उसे काफ़ी सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज बना के रखता है लंबे टाइम के लिए। तो बहुत ही अच्छा लिप बाम है, ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी से, और ये है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट, एंड जिसका प्राइस है 249 रुपीज। एंड इसमें आपको जो कलर्स मिलते हैं वो 9 शेड का एक पैलेट मिलता है, और शेड की अगर मैं बात करूँ तो ये आई थिंक 10-12 शेड में अवेलेबल है। मेरे पास इसके 2 शेड हैं 07 एंड 08। अगर मैं इन शेडो पैलेट की बात करूँ तो बिगिनर्स के लिए ये आई शेडो पैलेट बहुत ही अच्छे हैं। शेड रेंज इसमें जो है इसमें आपको न्यूट्रल्स कलर भी मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ ऐसे कलरफुल पैलेट भी मिल जाएंगे, तो आपको जो भी पसंद हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट माइंड में रखिएगा कि ये आई शेडो जो है वो कंप्लीट आई शेडो नहीं है। कंप्लीट से मेरा सेंस ये है कि कुछ आई शेडो पैलेट ऐसे होते हैं जिन्हें देख के ऐसे पता चलता है कि हाँ मैं इनसे फुल आई शेडो लुक क्रिएट कर सकती हूँ, चाहे वो ट्रांजिशन शेड हो, मेन आई शेडो हो या फिर क्रीज कलर हो, जो भी है फिलहाल। तो इनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें कोई भी लाइट शेड एक्चुअली नहीं है। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगी कि अगर आप एक अफोर्डेबल आई शेडो सर्च कर रहे हैं तो आप इन कलर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इन्हें रिकमेंड कई रीजन से कर रही हूँ। पहला रीजन तो ये है कि ये जितने ब्राइट आपको पैकेजिंग में दिख रहे हैं इतने ही ब्राइट ये आपकी आईज पे भी अप्लाई होते हैं। कुछ आई शेडो ऐसे होते हैं जो कि पैकेट में तो ऐसे बहुत कलरफुल दिखते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अप्लाई करने लगते हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी शीयर होती है, जिसकी वजह से हमारा जो आई लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट इस आई शेडो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जैसे पैकेट में है सेम ऐसे आपकी स्किन पे भी अप्लाई होते हैं। फॉल आउट हल्का सा होता है जैसे नॉर्मल किसी भी आई शेडो के साथ होता है, और मुझे पता है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसके हम डील कर सकते हैं। फिलहाल इस आई शेडो पैलेट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं फिलहाल सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हर किसी की चॉइस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट जरूर होती है, बट अगर आपको आई शेडोज पसंद हैं तो आप इन्हें ट्राई आउट कर सकते हैं। वैसे इनका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 249 है, बट मैंने इन्हें एक शेडो को 180 में बाय किया था एंड एक आई शेडो को 199 या 190 में बाय किया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अफोर्डेबल आई शेडो हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपको आई शेडोज पसंद हैं तो आप इन्हें ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैक्मे से, और ये है लैक्मे की अब्सोल्यूट मैट मेल्ट मिनी लिपस्टिक, एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 401 कोरल कैंप। इसका प्राइस है 400 रुपीज, जिसमें आपको 2.4 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 24 मंथ।
लिपस्टिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास दो शेड हैं, 501 एंड 401, बट मुझे 401 ज्यादा पसंद है। एक्चुअली ये दोनों ही शेड जो हैं वो डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। 401 जितना कंफर्टेबल है, जितना मतलब वाइब्रेंट कलर है या एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि 501 जो है वो थोड़ा सा स्टिकी है लिप्स पे एंड उतना कंफर्टेबल आपके लिप्स पे नहीं रहता है जितना 401। फिलहाल इसमें शेड रेंज काफ़ी अच्छी है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अलग अलग शेड जो हैं वो ट्राई आउट कर सकते हैं। वैसे इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 499 रुपीज़, बट अगर आप इन्हें सेल के दौरान बाय करती हैं तो आपको कतई फुल प्राइस जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। एंड बहुत ही वाइब्रेंट सा कोरल शेड है, जो कि विद मेकअप, विदाउट मेकअप, डे टाइम के लिए, नाइट टाइम के लिए A1 है। बहुत ही आपको पसंद आएगा अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो। मैं फिलहाल ये शेड जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप ये शेड जरूर ट्राई करो। वैसे अगर आपको मजेंटा शेड पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, तो आप 501 भी ट्राई आउट कर सकती हैं, बट मजेंटा शेड मुझे उतना नहीं पसंद है क्योंकि वो मेरे फेस पे उतना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मुझे वो शेड इतना पसंद नहीं है। नेक्स्ट बारी आती है एक और मेकअप प्रोडक्ट की, जो कि है मार्स ब्रांड से, एंड ये है उनका बहुत ही पॉपुलर मस्कारा, जिसका प्राइस जो है वो है 199 रुपीज़, और इसमें आपको 12 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब 4 साल की सेल्फ लाइफ है, तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। मस्कारा की अगर मैं बात करूँ, पैकेजिंग जितनी क्लासी है, प्रोडक्ट भी उतना ही क्लासी है। तो ये है इसका वॉन्ड, एंड ये आपकी लैशेस को बहुत अच्छे से कर्ल करता है, वॉल्यूम देता है, लेंथ देता है, एंड उस कर्ल एंड वॉल्यूम को होल्ड करके भी रखता है। वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, जिसे आप इजीली ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड 199 रुपीज में इससे बेटर मस्कारा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बट सेम टाइम पे इसमें कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। एक्चुअली इसमें दो माइनस पॉइंट है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जब मैं इस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ करी तो इसमें दो माइनस पॉइंट क्या है। एक्चुअली वो पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। पहला पॉइंट ये है कि इसका वॉन्ड जो है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो इसका वॉन्ड बहुत मोटा है, जिसकी वजह से हमारे इनर कॉर्नर की जो छोटी छोटी लैसेस हैं उन्हें कोट करने में या कर्ल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट आई नो कि आप इतना मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये मस्कारा आपकी लैसेस को थोड़ा सा क्लम्पी बना देता है, अगर आप इसके दो कोट अप्लाई करते हो या तीन कोट अप्लाई करते हो तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। बट अगर आप इसका सिंगल कोट ही अप्लाई करते हो, मतलब फर्स्ट टाइम ही आप अपनी लैसेस को अच्छे से कर्ल कर लो, अच्छे से अप्लाई कर लो, तब ये आपकी लैसेस को बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं बनाता है, बट दो और तीन कोट पे ये आपकी लैसेस को क्लम्पी बना देता है। सिर्फ यही इसमें माइनस पॉइंट है, बाकी इसमें सारे ही प्लस पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि इसे रिमूव करने के लिए सिर्फ आपको ऑयल ही यूज करना है, बाकी ये रिमूव नहीं होता इतनी आसानी से, तो ये आपकी लैसेस को अच्छे से तोड़ेगा। इसलिए जब भी आप इसे रिमूव करें तो थोड़ा सा फोकस करके जरूर रिमूव करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैक्मे से, और ये है लैक्मे का इंस्टा लाइनर, और इसका जो प्राइस है वो है 130 रुपीज़, एंड इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 9 ml की। इस आईलाइनर की बात करूं तो इसमें तीन शेड अवेलेबल हैं, आई थिंक तीन से ज़्यादा भी होंगे, बट मुझे फिलहाल तीन ही पता है, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। फिलहाल अगर मैं ब्लैक एंड ग्रीन की बात करूं, ग्रीन जो है वो पिस्ता ग्रीन है, बट थोड़ा सा डल है या डस्की कलर है। ब्लैक जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें लैक्मी का इंस्टा लाइनर जो है वो बहुत पसंद है, चाहे कोई भी हो। सुपर अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी भी सेम टाइम पे बहुत अच्छी है। बट हम वापस से आते हैं हमारे शेड पे। जहां तक रही बात ब्लू लाइनर की, मार्केट में ब्लू लाइनर्स की भरमार है, मतलब बहुत सारे ब्रांड में आपको ब्लू लाइनर्स मिल जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, जो ये शेड है
ये शेड आपको किसी अदर आईलाइनर में नहीं मिलेगा। आपको इलेक्ट्रिक ब्लू मिल जाएंगे, थोड़े से शाइनी शिमरी ब्लू मिल जाएंगे या बहुत सारे ब्लू मिल जाएंगे, बट जो थोड़ा सा नियॉन वाला ब्लू होता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यही शेड जो है वो ट्राई आउट करना पड़ेगा। बहुत ही वाइब्रेंट नियॉन ब्लू है जो कि मतलब एक कलर ऐड करता है आपके मेकअप लुक में, चाहे आपने मेकअप किया हो या ना किया हो। मतलब आप इसे ऐसे भी एवरीडे में यूज कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा। एंड इसे रिमूव करना भी बहुत ही आसान है। वैसे ये आईलाइनर जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, मतलब अगर आपकी लेसेस पे सॉरी आपकी आईज पे पानी पड़ता है और आप उसे रब नहीं करती हैं तब तो ये स्टिक कर जाएगा, बट अगर आप उसे हल्का सा भी टच करती हैं या स्मच करती हैं तो आपका आईलाइनर जो है वो फेड हो जाता है। बट आई थिंक इतना आप मैनेज कर सकती हैं। फिलहाल बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट सा ब्लू है जो कि आपको ट्राई आउट जरूर करना चाहिए फिलहाल अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेती हैं तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक से, और ये है शुगर का स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी कोल या काजल पेंसिल, जिसका प्राइस है 499 रुपीज। एंड इस काजल का कंपैरिजन फिलहाल तो मैं किसी काजल से भी नहीं कर सकती हूँ, किसी भी काजल से नहीं कर सकती हूँ, स्पेशली मैंने जितने काजल ट्राई आउट किए हैं, क्योंकि ऐसी क्वालिटी किसी भी काजल में नहीं है। आप इसे एज अ काजल यूज करिए, एज अ आईलाइनर यूज करिए, स्मोकी लुक के लिए या फिर किसी भी आई शेडो के बेस के लिए यूज करिए। जैसे अगर आप कोई पार्टी लुक क्रिएट कर रही हैं उसके लिए यूज करिए, टाइट लाइन के लिए बहुत ही अच्छा काजल है। सुपर क्रीमी है, ब्लेंड होता है बिल्कुल बटर की तरह, बट एक बार जब ये आपकी आईज पे सेट हो जाता है तो उसके बाद ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग है। इनफैक्ट ये आपकी वाटर लाइन पे भी बहुत अच्छे लंबे टाइम के लिए स्टे कर जाता है। तो बहुत ही अच्छा काजल है, अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो ट्राई आउट कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि काजल के लिए इतना प्राइस थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसे काजल यूज करने पसंद होते हैं जो कि उनकी आईज पे अच्छे खासे टाइम के लिए स्टे करे। मतलब ऐसा ना हो कि उन्होंने काजल अप्लाई किया है और 15 मिनट के बाद वो काजल जो है उनकी आंखों से गायब हो जाए। इस टाइम के लिए या इस सिचुएशन के लिए ये काजल जो है वो बहुत ही अच्छा है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैक्टो कैलामाइन फेस लोशन, जो कि है ऑयली स्किन के लिए। इसमें जो ड्राई स्किन है उनके लिए भी वेरिएंट अवेलेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस पैकेजिंग की जो कैप है वो ग्रीन कलर में है एंड मेंशन भी होता है कि वो ड्राई स्किन के लिए है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसे ट्राई आउट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 130 रुपीज, जिसमें आपको 60 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। आपकी स्किन पे अगर पिगमेंटेशन है या झाइयां हैं या छोटे छोटे जो दाने निकलते हैं जिन्हें आप टाइनी बम्स कहते हैं, अगर वो हैं आपकी स्किन पे तो आपको ये फेस मॉइस्चराइजर यूज जरूर करना चाहिए। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो आपको ये मॉइस्चराइजर ट्राई आउट जरूर करना चाहिए। अगर आपकी स्किन हमेशा डल एंड टायर्ड रहती है तो उसके लिए भी आपको ये मॉइस्चराइजर जो है वो ट्राई आउट जरूर करना चाहिए। एक्चुअली ये है तो फेस मॉइस्चराइजर, बट ये आपकी स्किन ट्रीटमेंट की तरह भी काम करता है। मतलब एक प्रोडक्ट दो काम, आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करना, उसका जो पीएच लेवल है उसे बैलेंस करके रखना, एंड सेम टाइम पे आपकी स्किन पे जो स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं उन्हें भी ट्रीट करना। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे इसका जो प्राइस है वो है 130, बट अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो इसे कम प्राइस में आपको इजीली मिल जाएगा। एंड इसका छोटा साइज भी अवेलेबल है जो कि है 30 ml का, एंड जिसका प्राइस है 70 रुपीज। तो अगर आपको 60 ml नहीं ट्राई आउट करना है तो आप 30 ml ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ जाएगा आपके लिए। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड ऑयली स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन पे है तो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई आउट जरूर करिएगा, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। तो लास्ट प्रोडक्ट है मेबिलीन से, एंड मेबिलीन का ये जेल लाइनर है जिसका जो प्राइस है वो आई थिंक 599 रुपीज है। एंड जिसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो आई थिंक 9 ग्राम 10 ग्राम समथिंग करके कुछ प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। एंड ये है इसका जेल लाइनर जिसमें आपको एक पॉट
एंड उसके साथ आपको आईलाइनर ब्रश जो है वो फ्री मिलता है। वैसे अगर मैं इस आईलाइनर की बात करूँ तो बिल्कुल जेट ब्लैक लाइनर है एंड इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसे आप एज अ काजल वियर कर सकती हैं और एज अ आईलाइनर तो डेफिनेटली वियर कर ही सकती हैं। एंड सेम टाइम पे आप इसे स्मोकी लुक के लिए भी यूज कर सकती हैं, जो कि आपके मेकअप लुक को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। वैसे अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये सुपर लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है। अब आप सोचेंगे कि अगर ये स्मज प्रूफ है तो हम स्मोकी लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम इसे फ्रेश अप्लाई करते हैं तब तक ये स्मज होता है, बट जैसे ही ये आपकी स्किन पे सेट हो जाता है तो उसके बाद ये स्मज नहीं होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसका जो वेयर टेस्ट किया था वो 18 प्लस आवर्स का था। आप समझ सकते हैं कि 18 प्लस आवर्स कुछ होते हैं। ये आईलाइनर ऑन पॉइंट था, बिल्कुल कहीं से भी ये फेड नहीं हुआ था, स्मज नहीं हुआ था, मेरी स्किन पे ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो अब आप इससे ज़्यादा और क्या ही से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने इसका वेयर टेस्ट एक्चुअली किया था तो मैंने विंग आईलाइनर ड्रॉ किया था, बहुत फाइन नहीं बट हल्के से विंग्स मैंने बनाए थे। बट मैंने 8 से 10 घंटे के बाद एक्चुअली नोटिस किया था कि वो जो विंग थे वो गायब हो गए थे, क्योंकि यहाँ हमारी स्किन पे रिंकल्स होते हैं तो जिसकी वजह से मुझे लगता है ब्लिंक, हम आंखों को ब्लिंक तो बार बार करते ही हैं, तो उसकी वजह से वो जो लाइनर था वो फेड हो गया था। एक्चुअली वो चिप होके निकल गया था, वो कहीं पे स्मज नहीं हुआ था, ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो चिप होके निकल गया था। बाकी का आईलाइनर जो है वो ऑन पॉइंट ही था। तो फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, फिर भी ये आईलाइनर जो है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, जिसे आप इजीली ट्राई आउट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी वेडिंग के लिए रेडी हो रही हैं या आपके यहाँ पे जो फंक्शन है वो लंबे टाइम के लिए चलने वाला है तो उसके लिए तो ये परफेक्ट ही है। एंड ब्राइडल मेकअप के लिए भी बहुत अच्छा है, आप इसे इजीली ट्राई आउट कर सकती हैं। फिलहाल मेरा ये आईलाइनर जो है वो फेवरेट है एंड मैं इसे एवरीडे यूज नहीं करती हूँ, पहले ही बता दूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया टॉप 10 प्रोडक्ट जो कि हैं अंडर 500 रुपीज, जिन्हें आप अमेजोन से बाई कर सकते हैं। वैसे इनके एक ही दो प्रोडक्ट के प्राइस जो थे वो 500 रीच करते हैं, बट उन्हें भी आप सेल के दौरान इजिली बाई कर सकते हैं और इससे कम प्राइस में ये प्रोडक्ट आपको इजिली मिल जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने ट्राई आउट किया है और क्या रहा आपका एक्सपीरियंस वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। Bye.